उमरेड के तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री हेतु लाखों से करोड़ों का व्यवहार रजिस्टर ऑफिस में होता है, लेकिन यहाँ की बिजली अधिकतर गुल होने के कारण रजिस्ट्री करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रजिस्ट्री के लिए लाखों रुपयों की स्टैम्प ड्यूटी सरकार जनता से पहले वसूल करती है और जनता आवश्यक कागज एवं दस्तावेज बनाकर इस कार्यालय में रजिस्ट्री हेतु सवेरे से शाम तक नजर आते हैं। 40 से 50 रजिस्ट्री इस कार्यालय में रोज होती है। अनंत फानन चार्जों के साथ रजिस्ट्रार जनता से पैसे वसूल करता है, लेकिन लाइन जाने पर बैटरी जनरेटर की व्यवस्था इस कार्यालय में 2 से 3 वर्षों से नदारद है। रजिस्ट्रार सरकारी फी के साथ अपना अलग से फी लेकर जनता को इधर गुमराह करने की चर्चा उमरेड में जोरों पर है। दलालों को हमेशा कार्यालय से जूझ रहना आम बात नजर आती है, लेकिन आखिरकार जनता परेशान हो जाती है जब बिजली गोल हो जाती है। उमरेड से मुखर्जी की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज के लिए।